तो पिछले वीडियो में जो है हम लोग पोलराइजेशन के बारे में पढ़े थे। अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी कैपेसिटर जो है उसके साथ अगर हम डाई इलेक्ट्रिक जो है इंसर्ट करते हैं कैपेसिटर के अंदर, कैपेसिटर के बीच में, तो उसके कैपेसिटेंस पे क्या तरह किस तरह का इफेक्ट होता है, इसके बारे में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। तो हेडी लगाइए, कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक। तो सबसे पहले नंबर जो है हम लोग फर्स्ट नंबर पढ़ेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक, कि कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसके बीच में जो है अगर हम कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करते हैं तो किस तरह से कैपेसिटेंस पे प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इसमें। तो चलिए यहाँ पे देखिए, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे। और हम क्या किए कि इसके बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर दिए, ऐसे एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम जो है बिल्कुल बीचों बीच ऐसे इंसर्ट कर दिए, ऐसे ऐसे डाई इलेक्ट्रिक मीडियम ऐसे इंसर्ट कर दिए। ऐसे ठीक है, ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है दिस इज डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है ना, ऐसे डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है। अब आपको पहले से ही पता है कि ये जो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम होता है इसके पास क्या होते हैं, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम जो होता है इसके पास होते हैं बहुत सारे डाइपोल्स होते हैं, ठीक है। और इस कैपेसिटर, इस प्लेट पे कैपेसिटर का चार्ज होगा प्लस क्यू और इस पे माइनस क्यू, तो बहुत सारे होते हैं डाइपोल्स। क्या होते हैं डाइपोल्स। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्लस से माइनस की तरफ, इस तरह से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे दिस इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बाहर बना देते हैं, काम करते हैं बाहर, ऐसे दिस इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब ए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, अब इसका वैल्यू भी आप जानते हैं पहले से ही, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर होता था वो कितना होता था, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन आपको पहले से ही पता है कि यहाँ पर कोई मीडियम आ गया है, ठीक है ना, कोई मीडियम आ गया है जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के है, या इसकी परमिटिविटी जो है एप्सिलॉन आर दी हुई है, दिस इज परमिटिविटी ऑफ, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, या इसी को हम लोग नाम देते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ऐसे। तो ये जो के है, के वो क्या करता है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको एप्सिलॉन आर टाइम्स क्या कर देगा, कम कर देगा, एप्सिलॉन आर टाइम्स क्या कर देगा, कम कर देगा, मतलब घटा देगा इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर देगा, घटा देगा। जैसे आप पहले से ही जानते हैं कि कोई भी मीडियम के अंदर जो फोर्स होता है, ठीक है, वो एयर के मुकाबले जो है कितना टाइम्स कम होता है, एप्सिलॉन आर टाइम्स कम होता है, या एयर के अंदर जो फोर्स होता है वो के टाइम्स क्या होता है, कम होता है। तो उसी तरह इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर वो क्या होगा, एप्सिलॉन आर टाइम्स घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, इसका रीज़न भी बताते हैं। देखिए हम आपको क्या बोले कि इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, डाइपोल्स होते हैं, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे तो डाइपोल्स होते हैं ऐसे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, सॉरी यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ बन जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं, ऐसे डाइपोल्स होते हैं, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं, ऐसे डाइपोल्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे डाइपोल्स होते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब देखिए ध्यान से कि बहुत सारे डाइपोल्स हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये प्लस माइनस जो है ये बीच में ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, प्लस माइनस यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज, यहाँ पे प्लस माइनस न्यूट्रलाइज। लेकिन इधर जो सरफेस है इस पर कुछ माइनस चार्ज आ जाएगा इस वाले प्लेट पर, और इधर वाले प्लेट पर कुछ प्लस चार्ज आ जाएगा, ऐसे, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसके अंदर खुद एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है, इसके अंदर खुद एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा, दिस इज ई, ठीक है, ऐसे खुद एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ।
जिसकी वजह से तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे कम हो जाएगा। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर का बात करते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना? इंड्यूस टाइम कम हो जाएगा, ठीक है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से इंड्यूस टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपको पहले से ही पता है कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपोजिट है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के, इसलिए क्या हो गया, कम हो गया। हम आप बोल सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस देन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कम वैल्यू, क्योंकि वेक्टर को कंपेयरिंग नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे वैल्यू ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे अब देखिए, आपको पता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा, एप्सिलॉन आर टाइम्स कम होगा या के टाइम्स कम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है क्यू बाई ए एप्सिलॉन आर, तो यहाँ पे के एप्सिलॉन आर, लेकिन यहाँ पे के टाइम्स क्या कर देंगे, कम कर देंगे, बराबर। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था क्यू बाई ए एप्सिलॉन आर माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पहले से ही पता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है, तो आप यहाँ से निकाल भी सकते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप यहाँ से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे वेक्टर हटा दीजिए, वेक्टर हटा सकते हैं, ठीक है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आराम से आप निकाल सकते हैं यहाँ से। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा मेरे पास कितना, क्यू बाई ए एप्सिलॉन आर माइनस क्यू बाई ए एप्सिलॉन आर इंटू के। तो यहाँ पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया मेरे पास क्यू बाई ए एप्सिलॉन आर कैंस कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा मेरे पास कितना, ये हो जाएगा मेरे पास वन माइनस वन बाई के, ठीक है। दिस इज़ द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, ऐसे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक है। आप ये जो प्लस चार्ज है माइनस चार्ज बना है उसको आप बाउंडेड चार्ज बोल सकते हैं। ये प्लस चार्ज है जो माइनस चार्ज बना है, इसको हम ऐसे माइनस क्यू बी और इसको प्लस क्यू बी लिखते हैं, ठीक है, बाउंडेड चार्ज। तो यहाँ पर अगर आप चार्ज के रूप में लिखना चाहते हैं तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्या होगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिंपली क्यू बाउंडेड अपॉन ए एप्सिलॉन, बराबर एरिया वही है जो प्लेट का एरिया है, एरिया है प्लेट का ए और प्लेट के बीच का सेपरेशन है डी। तो यहाँ पर क्यू बाई ए एप्सिलॉन लॉट इंटू वन माइनस वन बाई के, तो यहाँ पे ए एप्सिलॉन लॉट कैंसिल कर सकते हैं, बाउंडेड चार्ज आ गया मेरे पास क्यू इंटू वन माइनस वन बाई के, ठीक है, ऐसे। तो बाउंडेड चार्ज जो है इसमें प्लस में आएगा, इधर माइनस में आएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कि जो बाउंडेड चार्ज आया क्यू इंटू वन बाई वन माइनस वन बाई के, ठीक है, वही आ गया। और अगर आप सिग्मा के रूप में लिखना चाहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी के रूप में, तो इसको क्यू बी बाई क्यू बाई एरिया से दोनों तरफ डिवाइड कीजिएगा, तो यहाँ पे बाउंडेड चार्ज डेंसिटी आ जाएगा सिग्मा इंटू वन माइनस वन बाई के, ठीक है, ये आ गया, ठीक है ना, ये आ गया मेरे पास। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया है इसी को हम लोग नाम देते हैं पोलराइजेशन, ठीक है, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब ये हुआ कि अगर कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, वो एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट कर देते हैं, और उस डाइपोल मोमेंट क्रिएट करने के कारण जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वो कम हो जाता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी कम हो जाता है उस मीडियम के अंदर, ठीक है। और वही जो है फिनोमेना क्या कहलाता है, पोलराइजेशन कहलाता है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए ध्यान से कि हम इसको डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट किए हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कम हो गया, हमको पता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से तो कम हो गया, हमको पता है। लेकिन कम होने से फ़ायदा क्या हुआ, समझिए, कम होने से फ़ायदा क्या हुआ। अब ध्यान से सोचिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया तो इसका मतलब क्या है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर अब प्लस चार्ज है और यहाँ पे माइनस चार्ज है, और यहाँ पर अगर कोई ऐसा मीडियम, अगर यहाँ पर एक मीडियम है, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, सॉरी यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, एक डाइपोल है मान लीजिए, ऐसे एक कोई मीडियम होगा और इसका एक मॉलिक्यूल उसको हम बना रहे हैं, और अगर आप जैसे जैसे इस प्लेट पे चार्ज को बढ़ाइएगा, जैसे जैसे आप इस चार्ज को बढ़ाइएगा इस प्लेट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर की तरफ, तो प्लस पे फोर्स लगेगा इधर और माइनस पे फोर्स लगेगा इधर। जैसे जैसे चार्ज बढ़ाइएगा बढ़ाइएगा बढ़ाइएगा, वैसे वैसे क्या होगा कि इस प्लस चार्ज पे फोर्स लगातार बढ़ेगा, ये माइनस चार्ज पे लगातार फोर्स बढ़ेगा, और एक ऐसा समय आएगा कि चार्ज बढ़ाते गया बढ़ाते गया बढ़ाते गया, प्लस चार्ज पे फोर्स बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, माइनस चार्ज पे फोर्स इसके तरफ बढ़ते गया, एक ऐसा समय आएगा कि बीच से मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और बीच से मॉलिक्यूल्स ब्रेक होगा जिसकी वजह से क्या होगा, बीच से मॉलिक्यूल्स ब्रेक होगा जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे ऐसे प्लस, ये प्लस जाएगा यहाँ पे और माइनस जाएगा यहाँ पर, और क्या करेगा कि प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, और ये माइनस चार्ज को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है, इसके अंदर ब्रेकडाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से इस प्लस, ये जो प्लेट है उस पर प्लस चार्ज स्टोर करने की कैपेबिलिटी घट जाएगी, माइनस चार्ज पे स्टोर करने की कैपेबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी,
क्या हो जाएगी, घट जाएगी अगर ये वीक मॉलिक्यूल्स हुआ तो, वीक मॉलिक्यूल्स हुआ तो। लेकिन अगर यही अगर हम मीडियम है ऐसे और इसके बीच में एक स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल्स है, स्ट्रॉन्ग डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, ठीक है ऐसे। अब अगर आप चार्ज करते जाइएगा, चार्ज करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो इसके मॉलिक्यूल्स को टूटना जो है उतना आसान नहीं होगा, ठीक है। और ये टूटना आसान क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जब कम होगा इस रीजन में तो ऑफकोर्स टूटना आसान नहीं होगा, और टूटेगा नहीं जब तक ये ब्रेकडाउन नहीं होगा, ब्रेकडाउन नहीं होगा जब तक इस पे चार्जेज जो है आके इसको न्यूट्रलाइज नहीं करेगा, और न्यूट्रलाइज नहीं करेगा तब तक हम इस प्लेट को चार्ज करते जाएंगे, और अगर इस प्लेट को चार्ज लगातार करते जाएंगे तो ऑफकोर्स उसका कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ेगा बढ़ेगा, समझ में आया। तो अगर हम चाहते हैं कि इसके बीच के जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके बीच में जो ब्रेकडाउन बहुत कम हो, ब्रेकडाउन कम होने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ब्रेकडाउन कम होने से यहाँ पे ब्रेकडाउन कम होगा, ब्रेकडाउन कम होगा, इसका रीजन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने से ब्रेकडाउन कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने से यहाँ पे एरो ऐसे लगा देते हैं, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने से ब्रेकडाउन कम होगा, ब्रेकडाउन कम होगा तो ऑफकोर्स मोर चार्ज स्टोर ऑन कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर पे ज़्यादा प्लेट चार्ज जो है स्टोर हो पाएगा, जिसकी वजह से ऑफकोर्स उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी उतना ही ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा चार्ज स्टोर करने की कैपेबिलिटी होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा उसका कैपेसिटेंस होगा, तो ऑफकोर्स उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कम होने से ऑफकोर्स कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं कि इसके बीच में जो है मैं कैसा डाइइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करें जिस स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल्स का हो, साथ ही साथ वो इलेक्ट्रिक फील्ड कम से कम कर देता हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कम से कम हो जाएगा तो ऑफकोर्स चार्ज स्टोर करने की कैपेबिलिटी उतना ही बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जो है हम डाइइलेक्ट्रिक जो है इंसर्ट करते हैं, समझ गया ना। चलिए तो अगर अगर हम यहाँ पे एक पैरेलल प्लेट बनाते हैं, यहाँ पे ऐसे अगर यहाँ पे पैरेलल प्लेट बनाते हैं और इसके बीच में एक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम ऐसे इंसर्ट करते हैं ऐसे, ठीक है, जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो, इस पे प्लस चार्ज हो इस पे माइनस चार्ज हो, प्लेट का एरिया ए हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का सॉरी कैपेसिटेंस का, तो कैपेसिटेंस जो होगा वो कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट प्लेट के बीच का सेपरेशन लेट्स डी है, एप्सिलॉन नॉट ए, लेकिन यहाँ पर बाई डी तो लिखेंगे साथ ही साथ एप्सिलॉन आर से क्या कर देंगे गुना, ठीक है, एप्सिलॉन आर से गुना कर देंगे, तो सी बराबर हो जाएगा मेरे पास एप्सिलॉन नॉट इंटू के ए बाई डी, क्योंकि एप्सिलॉन आर लिखे या आप एप्सिलॉन आर की जगह पे के लिखे एक ही चीज़ है जी। तो कैपेसिटेंस जो है वो एप्सिलॉन आर टाइम्स क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है, कैपेसिटेंस जो है एप्सिलॉन आर टाइम्स क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर आप चाहते हैं कि फॉर्मूला कैसे आया, एप्सिलॉन आर कैसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए कर दी, तो इस चीज़ को जो है आप प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे आप जानते होंगे कैपेसिटेंस होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, तो सी बराबर चार्ज, चार्ज तो क्यू है प्लेट पे, इस पे प्लस क्यू है इस पे माइनस क्यू है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कम होगा, कितना टाइम्स कम होगा, एप्सिलॉन आर टाइम्स कम होगा, तो क्यू बाई एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पर डेल्टा बी को क्या लिखेगा, ई इंटू डी, तो क्यू बाई ई, ई हमारा क्यू बाई एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन आर इंटू डी। ध्यान से देखिए क्यू और क्यू कट गया और सी का वैल्यू आ गया एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई कितना डी, ऐसे आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं, आपको दिख रहा होगा कि जो कोई भी मीडियम के अंदर जो डाइइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है, सॉरी कोई मीडियम के अंदर जो कैपेसिटेंस है वो एयर के मुकाबले एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू कितना है, के टाइम्स है, मतलब एयर के मुकाबले कितना टाइम्स है, के टाइम्स है, ठीक है, समझ गए ना। जहाँ के का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होता है, वन होता है, आपको पहले से ही पता है, एयर के लिए वन होता है और बाकी सब मीडियम के लिए एक से बड़ा होता है या कोई फ्री स्पेस के लिए वन होता है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि अगर कोई मीडियम के अंदर डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाइइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करते हैं तो ऑफकोर्स उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इफ़ वी इंसर्ट ए डाइइलेक्ट्रिक मीडियम between the capacitors, capacitor plates, capacitor plate, then capacitance is increased, capacitance is increased, तो capacitance क्या हो जाता है, of course बढ़ जाता है, ठीक है ना। इसलिए जो है dielectric जो है हम लोग insert करते हैं। चलिए तो आपको जो है capacitance तो आपको दिखा दिए, लेकिन हम थोड़ा डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं कि कोई डाइइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट करते हैं तो क्या क्या इफेक्ट होता है कैपेसिटेंस पे, कैपेसिटेंस तो बढ़ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे,
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पे, फिर क्या बोल सकते हैं एनर्जी डेंसिटी पे, इस सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आप एनालॉजी कर लीजिए कि यहाँ पर एक ऐसे कैपेसिटर है, तो एक तरफ लिख लीजिए अब कि यहाँ पर कैपेसिटर विदाउट डाइइलेक्ट्रिक, और यहाँ पर है कैपेसिटर विथ डाइइलेक्ट्रिक। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और लिखिएगा साथ में कि यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग विथ विदाउट बैटरी, और यहाँ पर भी विदाउट बैटरी। अभी बैटरी जो है वो कैपेसिटर के प्लेट के साथ कनेक्ट नहीं है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम इसको एनालॉजी करते हैं, इसको समझ के एनालॉजी बोल रहे हैं, मतलब कंपैरिजन करते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक ऐसे प्लेट है ऐसे, ठीक है, इस पर प्लस चार्ज है और यहाँ पर माइनस चार्ज है। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसे, ठीक है, इसके प्लेट के बीच का सेपरेशन लेट्स डी है, प्लेट का एरिया ए है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसे, चार्ज आपका क्यू डी होगा, इस पर माइनस क्यू। और उसी तरह ये भी हमारा प्लेट है ऐसे ऐसे, इधर इस पर चार्ज है प्लस और इस पर चार्ज है माइनस, और इसके बीच में एक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है ऐसे, ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है, इसके बीच में कोई मीडियम नहीं है, मतलब वैक्यूम है इसके बीच में, यहाँ बोल सकते हैं वैक्यूम है। और यहाँ पर एक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है जिसका डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के हुआ है। ठीक है, दिस इज डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, प्लेट के बीच का सेपरेशन वही है, डी दिया हुआ है प्लेट के बीच का सेपरेशन, ठीक है, और प्लेट के बीच का सेपरेशन डी, एरिया ए दिया है प्लेट का। ठीक है, चलिए अब कुछ बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर कैपेसिटेंस का, ठीक है ना, कि कैपेसिटेंस कितना होगा। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस कितना होगा, तो आपको पहले से ही पता है एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर कोई वैक्यूम है तो यहाँ पर एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, ए बाई कितना डी। ठीक है, इसको आप सी नोट लिख लीजिए, सी नोट माने कैपेसिटेंस इन वैक्यूम, बीच में वैक्यूम भरा हुआ है, यहाँ पे कैपेसिटेंस होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे कैपेसिटेंस लिखेगा तो यहाँ पर कैपेसिटेंस होगा एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ए बाई डी, क्योंकि प्लेट का एरिया वही है। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को एक साथ रखिए, एप्सिलॉन आर को अलग, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को आप लिख दीजिएगा के के इंटू एप्सिलॉन आर, सॉरी के लिख दीजिए, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की जगह पे कैपेसिटेंस इन वैक्यूम इंटू एप्सिलॉन आर। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है एप्सिलॉन आर टाइम्स क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सी इज़ ग्रेटर देन सी नॉट, ठीक है ना, क्योंकि एप्सिलॉन आर का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होता है वन, तो कैपेसिटेंस होगा वो ज़्यादा होगा। आगे चलते हैं, वैक्यूम के लिए जो डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है वो वन होता है, तो यहाँ पे वन से मल्टीप्लाई करना जरूरी नहीं समझे। फिर है हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आपको पहले से ही पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है क्या होता है, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर क्यू आपको दिख रहा होगा कि प्लेट पे चार्ज वही है क्यू अपॉन एरिया वही है, एप्सिलॉन नॉट वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया मेरे पास ए, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वही आ गया क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ से यहाँ की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यहाँ पे ई नोट लिख रहे हैं क्योंकि वैक्यूम में, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, तो आपको पहले से ही पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा चार्ज अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर भी होगा। तो आपको दिख रहा होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, वो इसके जगह पे आप क्या लिख दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम अपॉन कितना एप्सिलॉन आर,
तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एप्सिलॉन आर टाइम्स क्या हो गया, कम हो गया, या ऐसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम के मुकाबले के टाइम्स क्या है, कम है, क्योंकि एप्सिलॉन आर के बराबर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी घट जाता है। तो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करने के बाद कैपेसिटेंस जो है बढ़ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया तभी तो कैपेसिटर जो है उसका प्लेट ज़्यादा चार्ज स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखेगा, ठीक है ना, अच्छी बात है। नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है ई इंटू डी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, इंटू पोटेंशियल कितना है डी, सॉरी बीच का सेपरेशन डी है, ठीक है, बीच का सेपरेशन कितना दिया है डी। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लिखिएगा, यहाँ पे डेल्टा भी नोट लिख रहे हैं, यहाँ पे डेल्टा कोई मीडियम में रखते हैं जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट है, तो उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या ई इंटू डी। इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई नोट इंटू डी, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई इंटू डी। ई है हमारा क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू कितना डी। अब आपको दिख रहा होगा कि क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन क्या लिख सकते हैं, वैक्यूम अपॉन कितना एप्सिलॉन आर। तो पोटेंशियल भी एप्सिलॉन आर टाइम्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पोटेंशियल भी एप्सिलॉन आर आर टाइम्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी का, तो आप पहले से ही जानते हैं एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, एनर्जी डेंसिटी मैंने डी यू बाई डी बी, ठीक है, यहाँ पे नोट लगा दे रहे हैं मैंने वैक्यूम में, बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर में, एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, ई नोट का स्क्वायर, ठीक है। ये आगे यहाँ पर आपको देखना है, तो यहाँ पर होगा डी यू बाई डी बी इन डी यू बाई डी बी एनर्जी डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा के, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर, यस, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर नहीं, उस मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई का स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। तो यहाँ पे 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू के जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस मीडियम कितना है, तो आपको दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस मीडियम में इनोड बाई के है, तो उसका स्क्वायर कीजिएगा तो इनोड स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, के स्क्वायर, के से के कैंसिल हो जाएगा, और आपको दिख रहा होगा कि एनर्जी डेंसिटी आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू इनोड स्क्वायर बाई कितना के। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम इन एयर है या वैक्यूम है, दिख रहा है, तो दिस इज डी यू बाई डी वी नॉट बाई कितना के। तो एनर्जी डेंसिटी भी के टाइम्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है ना, डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करने के बाद। फिर है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का बात करते हैं तो यहाँ पर कितना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है यू बराबर क्यू स्क्वायर बाई क्यू सी, ठीक है। तो ये एयर में देख रहे हैं तो यहाँ पर क्यू नोट क्यू स्क्वायर बाई टू सी नोट लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर बात करते हैं इस मीडियम के अंदर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, क्यू स्क्वायर बाई टू सी नहीं सी, सी नोट नहीं सी लिखेंगे, तो यहाँ पर चार्ज तो वही है प्लेट पे बाई टू सी, सी कितना जगह होगा के इंटू सी नोट, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा क्यू स्क्वायर बाई टू सी नोट इंटू वन बाई के। तो यहाँ पर आ गया एनर्जी स्टोर्ड इन एयर बाई कितना के, तो के टाइम्स भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अंदर अब बात करते हैं यहाँ पर हम और भी देखते हैं यहाँ पर प्लेट पे चार्ज का, ठीक है ना, प्लेट पे चार्ज यहाँ पे क्यू है और प्लेट पे चार्ज इसमें कितना है माइनस क्यू है, तो चार्ज तो वही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये जो डाइलेक्ट्रिक है या कैपेसिटर है, सॉरी डाइलेक्ट्रिक बोर्ड है, ये जो कैपेसिटर है उसको हम अब बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है, बैटरी के साथ का मतलब है कि यहाँ पर आपको लिखेंगे क्या लिखे थे, विदाउट बैटरी, तो यहाँ पर अब विथ बैटरी करेंगे, तो यहाँ पर लिखिएगा कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक बट विथ बैटरी, ठीक है, अब बैटरी के साथ रहेगा कनेक्टेड, और यहाँ पर रहेगा कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक
विथ डाइलेक्ट्रिक और विथ बैटरी, विथ बैटरी, ठीक है। तो विदाउट डाइलेक्ट्रिक विथ बैटरी, और यहाँ पे विदाउट विथ डाइलेक्ट्रिक विथ बैटरी। तो चलो सबसे पहले फिगर बनाते हैं। एक कैपेसिटर है ऐसे, ये हमारा कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर पे चार्ज है लेट्स प्लस क्यू और इस पे माइनस क्यू। अब क्या किया कि इसको हम एक बैटरी से जोड़ दी, ठीक है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ ई है, पोटेंशियल डिफरेंस ई है। तो अगर जोड़ दिए तो इसका ईएमएफ ई हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। ईएमएफ ई हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं, इस पर ई हो जाएगा, इस पर जीरो हो जाएगा, ठीक है, समझिएगा हमें। अब आपको बैटरी से हम जोड़ देते हैं तो स्टडी स्टेट पे आपको पता है कि कैपेसिटर पे चार्ज हो जाता है कितना, ई इंटू सी, इस पर हो जाएगा माइनस ई इंटू सी। सी क्या, सी एयर के अंदर, ई इंटू सी नोट, ठीक है, सी नोट, ई इंटू सी नोट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस ई इंटू सी नोट हो जाएगा, अच्छी बात है। और यहाँ पर देखिए ध्यान से कि यही हमारा कैपेसिटर है ऐसे पैरेलल प्लेट, और इसको भी हम क्या किए कि एक बैटरी से इसे कनेक्ट कर दिए, ठीक है। इसका बैटरी का ईएमएफ अगेन कितना है, ई है, और यहाँ का ईएमएफ ई और यहाँ का ईएमएफ जीरो। तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया इन प्लेट्स के बीच में ई, ठीक है। और यहाँ पर एक मीडियम भरा हुआ है ऐसे, ठीक है, ऐसे, जिसका डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के दिया हुआ है, दिस इज एक्सनल आर। डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना दिया है, के। अब समझिएगा यहाँ पे बढ़िया से कि अगर हम बात करते हैं सबसे पहले इनके बीच के सेपरेशन का, तो सेपरेशन डी दिया है, प्लेट का एरिया ए दिया है, इसके बीच में भी सेपरेशन डी दिया है, प्लेट का एरिया ए दिया है। अब सबसे पहले बात करते हैं हम फर्स्ट नंबर कैपेसिटेंस का, यहाँ पर कैपेसिटेंस कितना होगा। तो कैपेसिटेंस क्या होगा, यहाँ पर सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो यहाँ पर सी नोट डिख दे रहे हैं कैपेसिटेंस इन हेयर, कोई मीडियम नहीं है, एरिया ए है, डी है, चार्ज सब पे डिपेंड ही नहीं करता, पोटेंशियल डिफरेंस सब पे, कैपेसिटेंस। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से कि यहाँ पर कैपेसिटेंस आ गया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस कितना होगा, तो यहाँ पे भी कैपेसिटेंस वही होगा, नहीं, यहाँ पे के टाइम्स ज़्यादा होगा, क्योंकि डाइइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करने के बाद कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाता है। तो कैपेसिटेंस हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ए बाई डी। एप्सिलॉन आर टाइम्स बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को एक साथ रखेंगे इंटू एप्सिलॉन आर, मैंने सी नोड इंटू कितना हो जाएगा के, तो के टाइम्स जो है कैपेसिटेंस यहाँ बढ़ जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो देखिए ध्यान से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक वो अगर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर वो कितना है, यहाँ पर ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ई, तो यहाँ पर इस प्लेट पे चार्ज कितना है, ई इंटू सी नोट, और इस प्लेट पे चार्ज है माइनस ई इंटू सी नोट। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेगा क्यू बाई ए एप्सिलॉन नोट। अब देखिए ध्यान से कि क्यू कितना है हमारा, क्यू है हमारा ई एम एफ ई इंटू कितना, ई इंटू सी नोट अपॉन कितना, ए एप्सिलॉन नोट। तो ए आया मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई डैश, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लेते हैं ई डैश, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लेते हैं ई डैश। तो दिस ई डैश इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे क्यू, क्यू क्यू यहाँ पर कितना होगा, तो यहाँ पर क्यू होगा अलग होगा, यहाँ पर होगा चार्ज ई इंटू सी डैश, ई इंटू सी, तो यहाँ पर हो जाएगा ई इंटू सी, ठीक है, वहाँ पर चार्ज होगा अलग होगा क्यू डैश अपॉन कितना, ए एप्सिलॉन नॉट, तो ए इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना, एप्सिलॉन आर भी लिखना पड़ेगा, तो क्यू डैश की जगह पे लिखना पड़ेगा ई इंटू सी डैश अपॉन कितना, ए इंटू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन आर। ई एम एफ ई तो है ये है सी डैश, सी डैश की जगह पे के इंटू सी नोट लिखेंगे अपॉन कितना, अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के, एप्सिलॉन आर की जगह पे के से के कट गया और अगेन ई एम एफ आ गया ई सी नोट बाई ए एप्सिलॉन नॉट, वही आया। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हुआ इसलिए क्योंकि ई एम एफ जो है उसको कॉन्स्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते रहेगा, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी बराबर होता है कितना, ई इंटू डी,
ऑफ कोर्स पोटेंशियल डिफरेंस ई इंटू डी होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ई, ये हो जाएगा ई एम एफ ई इंटू सी नोट बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर भी वही होगा ई के बराबर, यहाँ पर भी वही होगा। तो देखिए ए वाला कट गया और ई एम एफ कितना आ गया, ई आ गया, ठीक है ई। और यहाँ पर भी ई एम एफ कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अगेन इसको भी इंसर्ट करने के बाद वही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर भी कितना होगा ई। तो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम जो है इंसर्ट कीजिए या ना कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जब कैपेसिटर बैटरी के साथ कनेक्टेड रहेगा, ठीक है ना। ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है यू यू नोट बराबर कितना होगा यहाँ पे क्यू स्क्वायर बाई टू सी, यहाँ ए वाला फॉर्मूला मत यूज कीजिए, ए वाला यूज कीजिए, वन बाई टू सी बी स्क्वायर, वन बाई टू सी बी स्क्वायर। तो सी नोट इंटू भी है पोटेंशियल डिफरेंस ई का स्क्वायर। और यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर होगा यू इक्वल टू वन बाई टू, यहाँ पर हो जाएगा के इंटू सी सी नोट, यहाँ पे कैपेसिटेंस इंटू ई एम एफ, ई एम एफ ई का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि के टाइम्स बढ़ गया वन बाई टू सी नोट इंटू ई स्क्वायर। तो यहाँ पे के टाइम्स बढ़ जाता है पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे के टाइम्स क्या हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाता है बैटरी अगर रहेगा तो, ठीक है ना, अच्छी बात है। पिछला वाला में घट गया था, यहाँ पे बढ़ जाएगा। फाइव नंबर है मेरा कि एनर्जी डेंसिटी का बात करते हैं, तो डी यू बाई डी बी यहाँ पे नोट लगा देते हैं, तो वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। तो यहाँ पे वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई स्क्वायर सी नोट स्क्वायर बाई ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे देखिए ध्यान से कि यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी होगा डी यू बाई डी वी डैश बराबर वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट, साथ में लिखाएगा के भी क्योंकि के टाइम्स होगा यहाँ पे, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ का स्क्वायर, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ऑफकोर्स ई स्क्वायर सी नोट स्क्वायर बाई ई एफ स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो आया है हमारा आंसर उसमें के टाइम्स क्या हो गया, के टाइम्स हमारा एनर्जी डेंसिटी बढ़ गया डी यू बाई डी वी। तो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करने के बाद जो है वो क्या होता है कि एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है ना, एनर्जी डेंसिटी भी बढ़ जाती है के टाइम्स, ठीक है ना, कब जब बैटरी कनेक्ट रहेगा तब, अगर नहीं रहेगा तो के टाइम्स घट जाएगा, ठीक है। ये था हमारा कंपैरिजन थोड़ा डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करने के बाद और नहीं करने के बाद, ठीक है, फिर बैटरी के साथ कनेक्ट करने के बाद और बैटरी के नहीं कनेक्ट करने के बाद, ठीक है। अच्छा एक सवाल आपसे पूछते हैं, समझिएगा, सवाल है मेरा कि एक यहाँ पर एक कैपेसिटर है ऐसे, ठीक है, कैपेसिटर है, और इस कैपेसिटर को पहले जो है हम बिना कोई मीडियम के साथ क्या किए कि एक बैटरी से कनेक्ट किए, ठीक है, जिसका बैटरी का ईएमएफ ई है और इसका प्लेट का एरिया ए दिया हुआ है और प्लेट के बीच का सेपरेशन डी दिया हुआ है और इसके बीच में वैक्यूम है, अभी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है ना, कोई चीज़ नहीं है। और ये था हमारा, अब क्या किया कि इसके बीच में जो है हम एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट किए, एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इज इंसर्टेड इन द बिटवीन द प्लेट, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के, ठीक है। अब एक बात बताइए कि अगर हम डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट किए, ठीक है, बैटरी के साथ, तो आपको दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के टाइम्स बढ़ गया, तो वो जो के टाइम्स बढ़ा है जरूर बैटरी कुछ वर्कडन किया होगा, ठीक है ना। तो सवाल है कि बताइए, फाइन वर्क डन बाई बैटरी, बैटरी कितना वर्कडन किया ये बताइए, ठीक है, ये सवाल है। तो वीडियो को पॉज करके आराम से ट्राई कीजिए, चलिए हम बताते हैं, बढ़िया से समझिएगा। जैसे हम क्या किए कि अभी इसके मीडियम बीच में अगर शुरुआत में अगर यहाँ पे चार्ज देखा जाए तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, कैपेसिटेंस होगा सी नोट बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो यहाँ पे चार्ज होगा ई एम एफ ई इंटू सी नोट और यहाँ पे माइनस ई इंटू सी नोट, ठीक है, ये चार्ज होगा शुरुआत में। अब क्या हुआ कि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर दिए तो इस प्लेट पर चार्ज आते हैं मेरे पास ई इंटू सी, ठीक है, ऐसे ई एम एफ ई है, अगर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम जो है इसके बीच में इंसर्ट कर दिए ऐसे,
ठीक है, ऐसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम से इंसर्ट कर दिए इसे। तो यहाँ पर आ गया प्लस ई सी और यहाँ पर आ गया माइनस ई सी चार्ज। अब आपको पता है कि जो सी होगा, आपको पहले से ही पता है कि जो सी होता है नया जो चार्ज होगा इस प्लेट पे, वो कितना होगा। इस प्लेट पे शुरुआत में चार्ज था इनिशियल ई इंटू सी नोड, और बाद में जो फाइनल चार्ज है वो कितना है ई इंटू सी। तो फाइनल चार्ज कितना हो गया ई इंटू सी, कितना है तो के टाइम्स ऑफ सी नोड है, माने के इंटू ई इंटू सी नोड। ई है हमारा ई एम एफ है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में समझिएगा ई एम एफ है। अब ध्यान से देखिए कि चार्ज जो है बढ़ गया, चार्ज क्या हो गया बढ़ गया, क्यू फाइनल इज ग्रेटर देन क्यू इनिशियल। प्लेट पे चार्ज क्या हो गया बढ़ गया, और प्लेट पे चार्ज अगर बढ़ जाएगा तो ऑफकोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा, ठीक है। प्लेट पे चार्ज बढ़ गया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया, और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया है तो बढ़ाने का जिम्मेवार किसका है, तो ऑफकोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया है तो बढ़ाने का जिम्मेवार ऑफकोर्स बैटरी का है, क्योंकि बैटरी ही जो है चार्ज प्रोवाइड किया होगा। तो कितना प्रोवाइड किया, जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल है कि यहाँ पर मान लीजिए कि शुरुआत में चार्ज जो था तो 10 कूलम था, अब हो गया 50 कूलम, तो कितना बैटरी चार्ज दिया 40 कूलम। कैसे निकाले, फाइनल चार्ज में से इनिशियल चार्ज घटा दिए। तो अगर हम बैटरी का वर्कडन पूछते हैं तो वर्कडन बाय बैटरी का फॉर्मूला होता है क्या, वर्कडन बाय बैटरी इक्वल टू कितना चार्ज प्रोवाइड किया इंटू ई एम एफ बैटरी के अक्रॉस। तो कितना चार्ज प्रोवाइड किया आपको बैटरी, तो कितना चार्ज प्रोवाइड किया, तो फाइनल चार्ज है हमारा, फाइनल चार्ज में से इनिशियल चार्ज को क्या कर देंगे सबट्रैक्ट कर देंगे इंटू कितना ई एम एफ ई। फाइनल चार्ज हमारा कितना, फाइनल चार्ज है ई इंटू सी, माइनस इनिशियल चार्ज कितना है, इनिशियल चार्ज है ई इंटू सी नोड और वाई इंटू ई। सी की जगह पे के इंटू सी नोड लिखेंगे क्या, ई इंटू के इंटू सी नोड माइनस ई इंटू सी नोड इंटू ई। तो यहाँ पर आ गया मेरे पास कि के माइनस वन इंटू सी नोड इंटू ई स्क्वायर, तो ये बैटरी का वर्कडन आ गया, ठीक है, के माइनस वन इंटू सी नोड इंटू ई स्क्वायर। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन बाय बैटरी इक्वल टू के माइनस वन इंटू सी नोड, सी नोड की जगह पे एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू ई ई का स्क्वायर, ठीक है, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इतना बैटरी जो है वर्क डन किया, क्लियर हो गया। चलिए तो यही था हमारा सवाल, आगे चलते हैं, बढ़िया समझिएगा। एक सवाल करते हैं, सवाल है हमारा कि जैसे यहाँ पर एक ऐसे मीडियम है, ऐसे ठीक है, ऐसे हमारा प्लेट है और इस प्लेट के बीच में जो है दो तरह के मीडियम भरे हुए हैं ऐसे, यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है, ठीक है ना, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ और है ऐसे, और दूसरे वाले सरफेस में कुछ और मीडियम भरा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ और है, ठीक है, ऐसे। प्लेट का एरिया जो है सवाल में दिया हुआ है, प्लेट का एरिया सवाल में दिया हुआ है ए, और प्लेट के बीच का सेपरेशन सवाल में दिया हुआ है हमारा डी, ठीक है ना। प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना दिया है, डी दिया है, और ए वाला जो प्लेट है उसके बीच का सेपरेशन है, इसको एक काम कीजिए, आप इसको D1 लिख लीजिए और इसको आप D2 लिख लीजिए, ठीक है। इस प्लेट पे चार्ज दिया है प्लस क्यू, इस प्लेट पे चार्ज दिया है माइनस क्यू, ठीक है। अब जो भी सवाल पूछा जाए उसका आंसर बताना है आपको। फर्स्ट सवाल, फाइन, इसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K1 और इसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K2, फाइन। पहला सवाल है हमारा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन के अंदर कितना है बताइए। दूसरा सवाल है, फाइन, पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। और तीसरा सवाल है कि सी इक्विवेलेंट फॉर दिस कैपेसिटर, इस कैपेसिटर के लिए हमारा सी को भी निकाल के दिखाओ, ये हमारा सवाल है। तो चलिए वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए, हम बताते हैं, आराम से समझिएगा। सबसे पहले जो है प्लस है, एक बात बताइए कि अगर यहाँ पे प्लस चार्ज है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर प्लस चार्ज है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस वाले डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर
इसे माइनस होता है, यहाँ पे प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या आएगा प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस। तो इस वाले प्लेट पे कितना आएगा, इस वाले एक तरह का प्लेट मान सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पर, और इस प्लेट पे मान सकते हैं आपके यहाँ पे चार्ज क्या है, माइनस है, क्या है यहाँ पे माइनस। अब उसी तरह यहाँ माइनस है तो यहाँ पर जरूर क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा यहाँ से यहाँ तक होगा इवन, और यहाँ से यहाँ तक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड टू, ठीक है। यहाँ पे माइनस आया क्योंकि प्लस या माइनस, ई प्लस जो है ई प्लेट पे चार्ज है, और यहाँ पर आया ई डाइलेक्ट्रिक पे माइनस, फिर डाइलेक्ट्रिक पे आया प्लस, तो ई प्लेट पे चार्ज आया माइनस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया इवन, अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया ई टू, उसी तरह माइनस तो इस वाले सरफेस पे आएगा प्लस, क्योंकि टोटल चार्ज तो इस प्लेट पे जीरो होना चाहिए, एक तरह का ई प्लेट मान सकते हैं वाला, ठीक है ना, प्लेट मान सकते हैं। अब बताइए कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आप लोग बोलिएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इवन प्लस ई टू, जोड़ देंगे दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इवन, इवन कितना है, आप लोग बोलिएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्यू बाई एफ नो लॉ, नहीं 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 इंटू के वन, के टाइम्स के वन टाइम्स कम हो जाता है, बराबर क्यू बाई एफ नो लॉ इंटू कितना के टू। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ए आ गया मेरे पास। उसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होता है ई वन इंटू डी वन, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी वन प्लस, ये स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्टली ऐड कर देना है ई टू ई टू डी टू, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस दिस प्लस दैट, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, ईवन हो गया मेरे पास क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के वन इंटू डी वन प्लस ई हो गया क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी टू अपॉन कितना के टू, ये आ गया। तो ये आ गया मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस, ये हो गया मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट है कि सी इक्विवेलेंट बताओ सिस्टम का, तो सी इक्विवेलेंट कितना होगा, तो आप पहले से ही जानते हैं सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है चार्ज ऑन कैपेसिटर अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज ऑन कैपेसिटर क्यू है अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो आपको दिख रहा होगा क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी कॉमन है यहाँ पे, तो आएगा वन बाई के वन प्लस वन बाई के टू, ठीक है। यहाँ पे क्यू और क्यू कट गया और मेरे पास आ गया मेरे पास सी इक्विवेलेंट, सी इक्विवेलेंट आ गया मेरे पास, सी इक्विवेलेंट आ गया ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, एफ नॉट बाई डी इंटू यहाँ पर आएगा मेरे पास के वन के टू ऊपर बाई के वन प्लस के टू, ठीक है। ये आ गया मेरे पास, ये आ गया, ठीक है। सी इक्विवेलेंट ए एफ नॉट के वन के टू बाई के वन प्लस के टू, ठीक है ना, ऐसे ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। एक काम कीजिए, यहाँ पर इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कि उल्टा कीजिए तो वन बाई सी इक्विवेलेंट बराबर ये हो जाएगा डी बाई ए एफ नॉट इंटू के वन प्लस के टू बाई के वन के टू, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं वन बाई सी इक्विवेलेंट इक्वल टू, इसको ऐसे लिखिए कि जो के वन के टू है उसको अलग अलग डिवाइड कीजिएगा तो आएगा डी के वन डी के टू बाई ए एफ नॉट प्लस ये आएगा डी के वन बाई डी, यहाँ पर अलग डिवाइड किया जाए डी के वन बाई नहीं यहाँ पर के टू कट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा के वन आएगा, सॉरी आपको ऊपर नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पे नीचे लिखना चाहिए था, तो यहाँ पर हो जाएगा डी बाई ए एफ नॉट इंटू के वन प्लस यहाँ पर डी बाई के टू आएगा और यहाँ पर क्या आएगा के वन एफ नॉट इंटू केवन। अब आपको ये दिख रहा होगा कि एक जो लिखा हुआ है वन बाई सी को बराबर वन बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के वन अपॉन डी, डी को नीचे लें प्लस वन बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के टू अपॉन कितना डी, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है वन बाई सी वन और प्लस वन बाई सी टू, वन बाई सी को ऐसे वन बाई सी वन प्लस वन बाई सी टू, सर कैसे ये कैसे लिखा गया, ये सी वन क्या है, सी वन है देखिए सी वन है इस वाला जो ई मीडियम आपको दिख रहा है वाला, ये जो वाइट कलर से पेंटेड है ये वाला, इसका डाइलेक्ट्रिक इसका कैपेसिटेंस कितना होगा वन बाई सी, सी बराबर होगा सी वन बराबर वन ए एप्सिलॉन नॉट, ए है ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के वन अपॉन डी और सी टू होगा। तो ऐसा लग रहा है कि इस तरह से जो जोड़ते जो थे वो हम कैसे जोड़ते थे, किसके अंदर जोड़ते थे इस तरह का, तो आपको पहले से ही पता है कि इस तरह से जो जोड़ते हैं वो हम पैरेलल के अंदर जोड़ते हैं, कैसे पैरेलल के अंदर, ठीक है।
ठीक है ना, पैरेलल के अंदर नहीं, सीरीज के अंदर, इन सीरीज, सीरीज के अंदर जो है हम लोग सीरीज के अंदर कैपेसिटर को हम लोग ऐसे जोड़ रहे थे, 1C इक्विवेलेंट बराबर 1C1 + 1C2, इस तरह से। तो इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि ये दोनों जो कैपेसिटर है वो सीरीज में लगे हुए हैं। कैसे लगे हुए हैं? सीरीज में। ऐसा लग रहा है हमको कि ये जो प्लेट है वो ऐसे लगा हुआ है कि एक प्लेट ऐसे है और एक प्लेट ऐसे है, ठीक है। इस पर प्लस क्यू चार्ज, इस पर माइनस क्यू चार्ज, इस पर प्लस क्यू चार्ज, इस पर माइनस क्यू चार्ज। अगेन इसको आप कंबाइन कीजिएगा तो ये वाला प्लेट और ये वाला प्लेट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, टोटल चार्ज जीरो आएगा ये वाला प्लेट पे। अगेन टोटल चार्ज कितना आएगा इस प्लेट पे, जीरो आएगा, ठीक है। लेकिन फ़र्क इस चीज़ का है कि इसके बीच में जो मीडियम भरा हुआ है और इसके बीच में जो मीडियम भरा हुआ है वो क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। ऊपर वाले में क्या भरा हुआ है, एक ऐसे मीडियम भरा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K1 है, और इस नीचे वाला में एक ऐसा मीडियम भरा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना है, K2 है, ठीक है। और एक ऐसे लगा हुआ है, सीरीज में लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ हर प्लेट पर चार्ज क्या है, सेम है, सेम है। तो डायरेक्टली जो है इसका कैपेसिटेंस C1 और इसका कैपेसिटेंस C2 होगा, तो डायरेक्टली जो है 1C इक्विवेलेंट बराबर 1C1 + 1C2, दो को इसी नहीं निकाल देते हैं। तो अगर आप इस तरह का कभी भी लगा रहे तो आप जो है डायरेक्टली इसको वैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, उसको सीरीज मानकर। जैसे अब तो समझ ही गए होंगे कैसे बनाना है, कि यहाँ पर अगर तीन ठो प्लेट है ऐसे ऐसे, यहाँ पर तीन ठो मीडियम है ऐसे, तीन ठो मीडियम, एक ऐसे एक ऐसे, तीन ठो मीडियम है यहाँ पर, एक मीडियम है ऐसे और फिर दूसरा मीडियम है ऐसे और तीसरा मीडियम है ऐसे, ठीक है, तीसरा मीडियम। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3, प्लेट के बीच का सेपरेशन D1, इसके प्लेट के बीच का सेपरेशन D2, इसके प्लेट के बीच का सेपरेशन D3। यहाँ पर एक चीज़ और है कि D1 जो है सेम ले लिए हैं यहाँ पे, D1 D2 यहाँ पे सेम ले लिए हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना, यहाँ पे गलती कर दी है हम। एक काम कीजिए, आप दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन D ही लिख लीजिए, उतना बहुत सारा इरेज करना पड़ेगा। एक काम कीजिए, यहाँ पे प्लेट के बीच का सेपरेशन D लिख लीजिए, ऐसे D रख लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा D, ठीक है, यहाँ पे D लिख लीजिए, ठीक है, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर इसके बीच के D1 D2 D3 सेपरेशन ले लिया और इनके प्लेट के एरिया जो है सवाल में A दिया है। अगर आप पूछे कि इसका कैपेसिटेंस निकालो, फाइन C इक्विवेलेंट फॉर दिस कैपेसिटर, इस कैपेसिटर का हमारा C इक्विवेलेंट निकालो, तब क्या करेंगे हम, इसे सॉल्व नहीं करेंगे, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर क्यू बाई डेल्टा भी लिखेंगे, वैसे भी आ जाएगा, वैसे नहीं करना। अब डायरेक्टली निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आपको पहले से ही पता है कि आप इसको ये तीनों सीरीज में लगा हुआ है, इस पे प्लस क्यू चार्ज, तो इस पे माइनस, फिर इस पे प्लस, इस पे माइनस, फिर इस पे प्लस, यहाँ पे भी माइनस। तो यहाँ पर ऐसे तीन कैपेसिटर जो है लगे हुए हैं, आप इसको मान सकते हैं कि तीन टू ऐसे कैपेसिटर लगे हुए हैं, एक कैपेसिटर ए, एक कैपेसिटर ए और एक कैपेसिटर ए, ठीक है ऐसे। और इसके बीच में अलग अलग मीडियम भरा हुआ है, जैसे ऊपर एक मीडियम ऐसे भरा हुआ है, एक बीच में मीडियम भरा हुआ है ऐसे, ठीक है, एक नीचे मीडियम भरा हुआ है ऐसे, ठीक है ऐसे। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 है, ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3। ऑफकोर्स C1 लिख सकता है कितना, एप्सिलॉन नॉट K1 इंटू एरिया प्लेट का A अपॉन कितना सेपरेशन D1, उस C2 लिखेगा एप्सिलॉन नॉट K2 A बाई कितना D2, और इसी तरह यहाँ पर लिखेगा एप्सिलॉन नॉट K3 इंटू A बाई D3। ये तीनों कैसे लगे हुए, ऑफकोर्स सीरीज में लगे हुए, तो सीरीज में फॉर्मूला होता है 1C इक्विवेलेंट बराबर 1C1 + 1C2 + 1C3, तो 1C1 लिखेगा तो D1 चल जाएगा ऊपर, एप्सिलॉन नॉट इंटू K1 इंटू A प्लस D2 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K2 इंटू A प्लस D3 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K3 इंटू A, ये हो गया 1C1, ठीक है ऐसे। तो इस तरीके से जो है आप C इक्विवेलेंट आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए एक सवाल करते हैं, सवाल करते हैं कि यहाँ पर एक इस तरह का एक कैपेसिटर है मेरे पास और इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट किए ऐसे, ठीक है ऐसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट किए, ठीक है ना ऐसे, जिसका थिकनेस सवाल में दिया है T और इस तरह के डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट किया जिसका थिकनेस सवाल में कितना दिया है T दिया है और प्लेट का एरिया दिया है A और
इनके प्लेट के बीच का सेपरेशन दिया है डी। सवाल है कि फाइन कैपेसिटेंस ऑफ, अब इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एफ स्मॉल आर का वैल्यू के दिया है, फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। ठीक है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके बीच में एक टी थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो इंसर्ट करते हैं, तो सवाल है कि कैपेसिटेंस कितना होगा, ये सवाल है। तो चलिए इसको वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। चलिए हम बताते हैं, देखिए इसके बीच में कुछ नहीं है, तो आप इसमें एक ऐसे तीन कैपेसिटर मान सकते हैं, एक ए। इसको क्या मानिएगा, इसको मान सकते हैं कि आप यहाँ पे एयर है तो यहाँ पे एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 है, यहाँ पर भी मान सकते हैं कि एयर है इसका एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना है 1। तो अगर ए वाला का, अगर ए वाला सेपरेशन अगर हम एक्स मानेंगे, अभी वाला खुद से टी है, तो कितना हो जाएगा डी माइनस टी माइनस एक्स, बाकी बचेगा ये वाला होगा। तो अगर ये तीनों जो है देखा जाए तो ये तीनों क्या है, ये प्लस है ये माइनस है, इस पर प्लस है तो इस पर माइनस है, इस पर प्लस है तो इस पर क्या है माइनस, मतलब ये तीनों जो है वो कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। इन तीनों प्लेट पे चार्ज सेम है बट पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है। पोटेंशियल डिफरेंस क्यों अलग अलग है, क्योंकि थिकनेस अलग अलग है, थिकनेस अलग अलग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा और साथ ही साथ यहाँ पे कैपेसिटेंस भी अलग अलग होगा। थिकनेस पे कैपेसिटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं करता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस थिकनेस पे डिपेंड करेगा, ई इंटू डी। तो डी अलग अलग है तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, मतलब इधर जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा तो यहाँ का थोड़ा कम, यहाँ के थोड़ा और कम, यहाँ के थोड़ा और कम, समझ गए ना। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि तीनों जो है उस सीरीज में है, सीरीज में है, तो इसको आप ऐसे बना सकते हैं कि तीन को कैपेसिटर हो गया, एक ऐसे एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। इसके बीच में एक मीडियम है ऐसे, इसके बीच में एक मीडियम है ऐसे, फिर इसके बीच में एक मीडियम है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 है, इसका के है और इसका 1 है। तो यहाँ पर अगर तीनों सीरीज में लगा हुआ है तो ऑफ कोर्स सीरीज में फॉर्मूला आता है 1 बाई सी इक्वल वर्ड बराबर 1 बाई सी 1 प्लस 1 बाई सी 2 प्लस 1 बाई सी 3। तो 1 बाई सी इक्वल बराबर 1 बाई सी 1, सी वन कितना होगा, तो आप बोलिएगा एप्सिलॉन इंटू 1 इंटू ए बाई डी, डी नहीं एक्स, इसके बीच का सेपरेशन कितना दिया है एक्स दिया है, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका C2, इसका C3, और प्लस 1 बाई सी 2, C2 होगा कितना, तो 1 बाई एप्सिलॉन इंटू इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 ये वाला इंटू एरिया, एरिया प्लेट का ये सेपरेशन, सेपरेशन कितना है T, प्लस अगला होगा 1 बाई एप्सिलॉन इंटू 1 इंटू ए बाई डी, डी नहीं है इसका थिकनेस, डी माइनस टी माइनस एक्स है, ठीक है। ऐसे ये सॉल्व कीजिए आंसर आ जाएगा, तो 1 बाई सी इक्वल बराबर एक्स अपॉन एप्सिलॉन इंटू ए प्लस टी बाई एप्सिलॉन इंटू के इंटू ए, अब प्लस इसके अंदर क्या होगा, तो डी माइनस टी माइनस एक्स बाई एप्सिलॉन इंटू ए। तो आपको दिख रहा होगा कुछ करते हुए कि एक्स अपॉन एप्सिलॉन इंटू ए और प्लस टी बाई एप्सिलॉन इंटू के प्लस डी बाई एप्सिलॉन इंटू ए माइनस टी बाई एप्सिलॉन इंटू ए और माइनस के बाई एक्स बाई एप्सिलॉन इंटू ए। आपको दिख रहा होगा कि माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया, माइनस एक्स वाला, तो यहाँ पे कटना भी चाहिए था क्योंकि एक्स हम अपने से माने थे, थिकनेस दिया था सवाल में टी। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई सी इक्वल बराबर कितना, डी बाई एप्सिलॉन इंटू ए प्लस टी कॉमन ले लो, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई एप्सिलॉन टी बाई एप्सिलॉन इंटू ए कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, के ए भी कॉमन है तो यहाँ हो जाएगा 1 बाई के माइनस कितना, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 1 बाई सी इक्वल बराबर यहाँ पे 1 बाई एप्सिलॉन इंटू ए बिल्कुल कॉमन है, तो डी प्लस टी इंटू के माइनस 1, ठीक है, अपॉन कितना के, ठीक है ना, ऐसे के आ गया। तो यहाँ पे 1 बाई सी इक्वल बराबर 1 बाई एप्सिलॉन ए इंटू के मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है ना, हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा डी के प्लस टी इंटू के माइनस 1। अब यहाँ पर अगर आपको सी इक्वलेंट चाहिए तो उल्टा करना पड़ेगा, तो एप्सिलॉन ए इंटू के बाई यहाँ पे हो जाएगा डी के प्लस टी इंटू के माइनस 1
ठीक है, अब के से डिवाइड कर दीजिए ऊपर नीचे, तो अब पूरा बच जाएगा एप्सिलॉन ऑफ ए बाई डी प्लस टी इंटू के बाई के वन माइनस वन बाई के। अरे ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है ये आंसर हो गया। तो ये हो जाएगा इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, ठीक है ना, डी थिकनेस का फॉर्मूला नहीं होगा, ये आंसर हो गया, आराम से बना सकते हैं इसको। चलिए आगे चलते हैं, एक सवाल करते हैं, देखिएगा सवाल है हमारा कि यहाँ पर इस तरह का एक पैरेलल प्लेट है और यहाँ पे तीन ठो मीडियम है ऐसे, ऐसे एक मीडियम ए है, फिर एक मीडियम ए है, ठीक है, और एक और मीडियम है ऐसे, ठीक है, तीन ठो मीडियम है और इसके प्लेट के बीच का सेपरेशन भी सवाल में दिया हुआ है, इसका भी डी, इसका भी डी और इसका भी डी, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है के दिया है, इसका टू के दिया है, तो इसका थ्री के दिया है। सवाल है फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर, प्लेट के एरिया जो है सवाल में दिया है ए। चलिए बनाइए, बहुत आसान सवाल है, फिर से इसको बना सकते हैं आप, तीनों प्लेट को जो ऐसे बना सकते हैं, ये तीनों प्लेट को, कि यहाँ पर एक ऐसे प्लेट हो गया, फिर एक और बीच में प्लेट हो गया ऐसे, एक और बीच में प्लेट हो गया, ठीक है, तीन ठो प्लेट हो गया, ठीक है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 जिसका वैल्यू के डीवल है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 जिसका वैल्यू 2 के डीवल है और इसका 3 के डीवल है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका सबका कैपेसिटेंस लिखना है, प्लेट के बीच का एरिया सेपरेशन सब सेम है, तो इसका कैपेसिटेंस C1 इसका C2 इसका C3 होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि तीनों को, अगर C को वैलेंट निकालना, तो तीनों कैसे लगे हुए हैं आपको सीरीज में, तो 1/C को वैलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, तो 1/C को वैलेंट बराबर 1/C1, तो 1/C1 कितना लिखेगा, तो आप लिखेगा एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू ए बाई डी प्लस 1/C2 कितना लिखेगा, तो C2 लिखेगा एप्सिलॉन नॉट के नहीं 2k इंटू ए बाई डी प्लस यहाँ पे लिखेगा 1/ε0 इंटू 3k इंटू ए बाई कितना ऑफकोर्स डी, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट बराबर डी बाई ε0 इंटू के प्लस डी बाई 2ε0 इंटू के प्लस यहाँ पे डी बाई 3ε0 इंटू के, तो 1/C इक्विवेलेंट हो जाएगा मेरे पास बराबर डी बाई ε0 इंटू के कॉमन, तो 1 + 1/2 प्लस 1/3 तो अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर डी बाई ε0 इंटू के 3 × 2 = 6 एल सी में जाएगा, तो 6 + 3 + 2 तो कितना हो जाएगा, तो 11 है डी बाई 6ε0 इंटू के, तो सी इक्विवेलेंट आ जाएगा मेरे पास 6ε0 के बाई कितना 11, ठीक है ये आंसर आ गया। तो यही सवाल था हमारा, ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, देखिए एक सवाल और करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर सवाल ऐसे रहे कि यहाँ पर एक ऐसे प्लेट है, ठीक है ना, और यहाँ पर दो ठो एक ऐसे सरफेस है ऐसे, ठीक है ना, सेपरेटेड है, प्लेट के बीच का सेपरेशन सेम है, एरिया अलग अलग है, ठीक है, एरिया अलग अलग है, तो यहाँ पर तो चार्जेज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा, मतलब ये हुआ कि इस पर चार्ज अलग होगा, इस पर चार्ज अलग होगा, ठीक है ना। अगर इसको हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, ऐसे बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए ऐसे, ठीक है, ऐसे बैटरी का EMF E है, तो यहाँ का पोटेंशियल E, तो यहाँ का पोटेंशियल 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो यहाँ पर भी E, यहाँ पर भी 0, इसका भी पोटेंशियल E, यहाँ पर पोटेंशियल 0, तो अगर इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों प्लेट है उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है, या इतना दूर लिखे या इतना दूर लिखे,
मान लेते हैं कि इसके बीच में जो है दो तरह का मीडियम भरा हुआ है, एक मीडियम है यहाँ पे ऐसे ऐसे, ठीक है, और एक और मीडियम भरा हुआ है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे दो तरह का मीडियम भरा हुआ है, ठीक है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है सवाल में K1 दिया है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो K2 दिया है। अब ध्यान से देखिए कि प्लेट के एरिया जो है अलग अलग है, प्लेट का एरिया क्या है, अलग अलग है। यहाँ का प्लेट का एरिया A1 है, यहाँ का A2 है। यहाँ के प्लेट का एरिया को हम मान लेते हैं लेट्स A1, ठीक है, और यहाँ के प्लेट का एरिया को मान लेते हैं A2। तो यहाँ पे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग होगा। यहाँ पे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा σ1, यहाँ पे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा σ2, ठीक है, यहाँ पे σ1 यहाँ पे σ2। तो अगर बात करते हैं यहाँ पे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों मीडियम में सेम होगा, आपको पहले से ही पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बैटरी से जोड़ देते हैं तो फॉर्मूला आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, E बराबर क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन कितना डी। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो ई है, ईएमएफ अपॉन कितना है बीच का सेपरेशन डी। तो ये मीडियम पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि दोनों मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। सेम होगा इसका मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई1 है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई2 है, तो ई1 और ई2 क्या होगा आपस में बराबर होगा। तो अगर ई1 बराबर क्या होगा ई2, ई1 लिखे तो आपको पहले से ही पता है ई1 लिखना है अगर, तो इसको लिखेगा ई1 का वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना K1 सिग्मा के रूप में। या तो ऐसे लिखते थे कि या तो ऐसे लिखेगा क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ऐसे इस प्लेट का चार्ज लिखेगा ऐसे कि E1 के जगह पे लिखेगा Q1 बाई A1 एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना K1, क्योंकि यहाँ पे मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K1 है। बराबर यहाँ पे लिखेगा Q2 बाई A2 एप्सिलॉन नॉट इंटू K2। Q1 बाई A1 चार्ज अपॉन पर यूनिट एरिया क्या होता है सिग्मा, तो यहाँ पर होगा σ1 बाई एप्सिलॉन नॉट K1। यहाँ पे Q2 बाई A2 क्या होगा, ऑफकोर्स σ2 होगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू K2। एप्सिलॉन नॉट कट गया, यहाँ पे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो आ गया σ1 बाई σ2 बराबर K1 बाई K2 ये आ गया। मतलब चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इन प्लेटों पर वो क्या आया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K1 K2 आया। मतलब चार्जेस जो है डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। इसका मतलब K जिसका ज़्यादा ऑफकोर्स चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही क्या होगा ज़्यादा, ठीक है ना, उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपको क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है ना, ऐसे कि चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो होगा ऑफकोर्स क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके सिग्मा के, जिसका के कम ऑफकोर्स चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन उस पर क्या होगा कम होगा, ठीक है ना, ये आ गया। चलिए एक सवाल करते हैं इस पर, ठीक है ना, सवाल है मेरा समझिएगा। यहाँ पे दोनों प्लेट जो है कैसे लगे हुए हैं आप बताइए, ये दोनों प्लेट जो है वो पैरेलल में लगे हुए हैं क्योंकि दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या है सेम है, चार्जेस अलग अलग हैं। तो आप जो है इसको अगर आप दिखाना चाहेंगे तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं फिगर कि इन प्लेट्स को, कि एक प्लेट है ऐसे और एक प्लेट है और ऐसे, नहीं एक प्लेट है ऐसे और एक और प्लेट है ऐसे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे दिखा देंगे तो आप क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि ऐसे सीरीज में नहीं हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। फिर देखिए ऐसे बनाइए कि एक प्लेट है ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है ना, एक प्लेट है ऐसे और एक और प्लेट है ऐसे, ठीक है, ऐसे एक और प्लेट है ऐसे, देख लीजिए ऐसे ही ना, पैरेलल में है दो दो प्लेट ऐसे, ठीक है। इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम इन प्लेट के, और इनका भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है सेम है, बस फर्क इस चीज़ का है कि इसमें मीडियम भरा हुआ है कुछ और इसमें कुछ मीडियम भरा हुआ है कुछ और, ठीक है ना। यहाँ पे भरा हुआ है ग्रीन मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, और इसमें भरा हुआ है वाइट मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है K2 है। तो यहाँ पर हो गया K1 और यहाँ पर हो गया K2, तो दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में आपको पहले से ही पता है सी इक्विवेलेंट होता है C1 प्लस C2, तो सी इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 कितना होगा, तो ऑफकोर्स एप्सिलॉन नॉट इंटू K1 इंटू एरिया है प्लेट का A1 अपॉन कितना D1 प्लस एप्सिलॉन नॉट K2 इंटू A2 अपॉन D2, ठीक है, ये हो गया। लेकिन D1 D2 तो D के बराबर है, तो ऑफकोर्स इसके जगह पर भी D, इसके जगह पर भी D, लेकिन एरिया अलग अलग है और K1 K2 भी अलग अलग है, ठीक है, तो ये हो गया सी इक्विवेलेंट। चलिए एक सवाल करते हैं इस पर पैरेलल में भी, जैसे मान लीजिए कि एक सवाल है मेरा
ऐसे यहाँ पे प्लेट है ऐसे ऐसे, और इन प्लेट पे ऐसे तीन ठो मीडियम है, ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, तीन ठो मीडियम है, एक मीडियम ऐसे है, एक मीडियम ऐसे है और एक मीडियम ऐसे है, तीन ठो मीडियम। प्लेट के बीच का सेपरेशन जो है सवाल में दिया हुआ है डी। इसका एरिया जो है वो ए है, इसका एरिया ए है, इसका एरिया जो है 2a है, अगेन इसका एरिया कितना है ए। सवाल है कि फाइन इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, इसका 2k है और इसका 3k है। फाइन सी इक्विवेलेंट फॉर दिस कैपेसिटर, इस कैपेसिटर का सी इक्विवेलेंट निकालिए, सब निकालेंगे सब। आपको दिख रहा होगा कि दोनों तीनों प्लेट जो है वो आपस में किस में है, पैरेलल में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, पैरेलल में। अगर पैरेलल में जुड़े हुए हैं तीनों प्लेट तो ऑफ कोर्स इसको वैसे कनेक्ट कर सकते हैं कि एक प्लेट ए है, ठीक है, एक प्लेट ए है, फिर ए वाला एक प्लेट हुआ, ठीक है ना, फिर एक और प्लेट है ऐसे ऐसे, ये हो गया C1, ये हो गया C2, अब ये हो गया C3। और तीनों जो है कैसे लगा हुआ है, आपको सीरीज में लगा हुआ है, सॉरी पैरेलल में लगा हुआ है। पैरेलल में फॉर्मूला आता है सी इक्विवेलेंट का, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो सी इक्विवेलेंट बराबर C1 कितना होगा, तो उसको लिखेगा एप्सिलॉन नॉट ए इंटू के बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी किसके लिए होता था, वैक्यूम के लिए। यहाँ पे वैक्यूम नहीं है बल्कि एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के है। तो एप्सिलॉन नॉट के इंटू ए बाई कितना डी, प्लस यहाँ पर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया था, सही है, डायरेक्टली कॉन्स्टेंट है 2k इंटू एरिया इस प्लेट का 2a अपॉन कितना d, d के जगह पे d रह गया, प्लेट का सेपरेशन d है, प्लस एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे कितना 3k इंटू एरिया हो जाएगा कितना a अपॉन कितना d। तो यहाँ पे c इक्विवेलेंट आ गया मेरे पास, एप्सिलॉन नॉट और k a बाई d कॉमन हो गया, क्या बच गया 1 प्लस 4 प्लस 3, तो 4 3 कितना हो गया 7 7 8, तो सी इक्विवेलेंट आ गया मेरे पास 8 एप्सिलॉन नॉट के इंटू ए बाई कितना, ये आंसर, ठीक है, या क्या ये सवाल था मेरा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, एक और सवाल करते हैं। एक और सवाल करते हैं, यहाँ पर एक मीडियम है ऐसे, ठीक है, दो तरह का मीडियम है ऐसे, यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है ऐसे और यहाँ पर भी एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है ऐसे और यहाँ पर भी एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है ऐसे, ठीक है। इसके प्लेट का एरिया जो है वो ए बाई टू है, इसके प्लेट का भी एरिया ए बाई टू है, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के इसका 2k और इसका 3k, ठीक है। और इसके प्लेट के बीच का सेपरेशन सवाल में दिया हुआ है, एक प्लेट के बीच का सेपरेशन डी, इनके प्लेट के बीच का सेपरेशन डी बाई टू और इनके प्लेट का भी सेपरेशन डी बाई टू, ठीक है। अब सवाल है बताना है कि बताइए कि फाइंड सी इक्विवेलेंट फॉर दिस कैपेसिटर, इस कैपेसिटर के लिए सी इक्विवेलेंट निकालिए, सब बताएंगे आराम से समझिएगा। इस प्लेट इस के लिए हमको सी इक्विवेलेंट निकालना है तो कोई बड़ा बात नहीं है। देखिए फिर से जो है आप इसको इस वाले प्लेट को इस वाले को इस वाले को इसको देखिएगा तो यहाँ पे प्लस यहाँ पर भी माइनस यहाँ प्लस ई माइनस, तो ई ई प्लेट जो है ए वाला इसके साथ ई प्लस यहाँ माइनस यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस, ई अभी सीरीज में है जबकि ए इसके साथ किस में है पैरेलल में, तो इसका मतलब ए हुआ कि ई दोनों सीरीज में, ए प्लेट और ए प्लेट और ए इसके साथ किस में है पैरेलल में, तो दो वो प्लेट जो है ऐसे सीरीज में है ऐसे, ठीक है ऐसे, और बल्कि तीसरा प्लेट जो है ऐसे इसके साथ वो किस में है पैरेलल में, ठीक है ना, पैरेलल में, पैरेलल में।
इसका C1, इसका C2, इसका C3। आपको दिख रहा होगा कि इस वाले प्लेट के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है सवाल में K। फिर इस प्लेट के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है सवाल में 2K। और ये जो मीडियम भरा हुआ है इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम, उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया है? ऑफकोर्स 3K दिया है। ठीक है, सवाल है कि सी इक्विवेलेंट बताओ। तो बताइए C1, C2, C3 किस में है? C2, C3 किस में है? ऑफकोर्स पैरेलल में है। तो C2, C3 पैरेलल में है जबकि C1 क्या है? सीरीज में है। तो अगर इसका सी इक्विवेलेंट चाहिए हमको, तो बताइए C2, C3 किस में है? ये पैरेलल में है तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, सॉरी सीरीज में है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट C2, C3 बाई C2 प्लस C3। ठीक है, सीरीज में वही वैसे ही निकाल देते हैं C2 इंटू C3 बाई C2 प्लस C3। और A जो है C1 के साथ किस में है? सीरीज पैरेलल में, तो पैरेलल में डायरेक्टली जोड़ देते हैं तो C2 C3 बाई C2 प्लस C3। तो C इक्विवेलेंट पर बस C1 बताइए। C1 लिखेगा कितना? ए वाला, इसका लिखेगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया, प्लेट का एरिया है ए बाई 2, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के अपन बीच का सेपरेशन डी, प्लस C2 एप्सिलॉन नॉट एरिया है उसका भी ए बाई 2 इंटू डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 2K अपॉन प्लेट के बीच का सेपरेशन डी बाई 2 इंटू। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे C2 और C3 क्या है? अलग अलग है, डाइलेक्ट्रिक का फ़र्क है। तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2 इंटू एरिया वही है इंटू डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 3K है अपॉन कितना? डी बाई 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2 इंटू 2K अपॉन डी बाई 2 इंटू प्लस एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2 इंटू 3K अपॉन डी बाई 2। ये हो गया, इसको सॉल्व कीजिए। तो बताइए कि यहाँ पे एक छोटा सा काम करते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए इंटू के बाई डी को जगह पे आप टी लिख लीजिए। ठीक है, टी, तो सी इक्विवेलेंट आ जाएगा कितना? एप्सिलॉन नॉट ए इंटू के बाई डी के जगह पे, एप्सिलॉन नॉट ए इंटू के बाई डी की जगह पे टी, तो हो जाएगा टी बाई 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा कितना? 4K हो जाएगा सर, 2 से 2 काट दीजिए तो कितना हो जाएगा? यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए इंटू के बाई डी की जगह पे टी, तो यहाँ पे हो जाएगा 2T। ठीक है, और इंटू यहाँ पे कितना? 3T अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 2T और प्लस 3T, तो यहाँ पे हो जाएगा टी बाई 2 प्लस कितना हो जाएगा? 6T स्क्वायर बाई 5T, टी से टी कट गया और 5 और 2 का एलसीएम हो जाएगा कितना? 10, 5T प्लस 12T, तो 12 और 5 17T बाई कितना? 10। तो यहाँ पे सी इक्विवेलेंट आ गया मेरे पास, सी इक्विवेलेंट वो आ गया 17, टी की जगह पे एप्सिलॉन नॉट ए इंटू के बाई कितना? डी बाई 10 आ गया। ठीक है, चलिए एक और सवाल देते हैं, आपको होमवर्क देते हैं, आप घर से इसको ट्राई कीजिएगा। तो सवाल है हमारा कि यहाँ पर इस तरह का एक मीडियम है और इस मीडियम में चार तरह का डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऐसे भरा हुआ। ठीक है, इसमें जो है ऐसे एक डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K1 है, सॉरी इसका वैल्यू 1 दिया है। इसमें जो है ऐसे इसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K2 दिया है, इस K1 है। और उसी तरह यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है ऐसे, इसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K3 दिया है। और एक और मीडियम है यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पे एयर है जिसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 1 दिया है। सवाल है कि ए वाला है हमारा प्लेट का एरिया ए बाई 2, इस प्लेट का एरिया ए बाई 2, अब प्लेट के बीच का सेपरेशन डी बाई 2, इसका प्लेट के बीच का सेपरेशन डी बाई 2। सवाल है फाइन सी इक्विवेलेंट फॉर दिस कैपेसिटर। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में जो है हम लोग कोई भी कैपेसिटर है उसके साथ डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर ली। ठीक है ना, इस तरह से अगले वीडियो में जो है हम लोग कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे, स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर क्या होता है, और भी हम बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे जिसमें डाइलेक्ट्रिक अगर वेरिएबल हो मीडियम तो किस तरह से चेंज होता है इसके बारे में। चलिए, ऑल द बेस्ट।